हाँ साइड जी में, यस जी सर। ठीक है। सो ये जो भी हमारी क्लास होगी वो क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आप हाँ कभी जी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, व्हाई अटेनमेंट्स आर मस्ट या अटेनमेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि अटेनमेंट से जो हम डिवाइन पावर है वो इस डिवाइन पावर को हमारे भीतर लेते हैं हाँ जी और एक रास्ता क्लियर कराते हैं, अलग सा कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करते हैं विद यूनिवर्स, विद आवर स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एंजल्स। विदाउट अटेनमेंट्स स्पिरिचुअलिटी करना जस्ट लाइक के आपने एक मिठाई को खुला रख दिया है, हाँ जी और सीधी बात है फ्लाइज उड़ के उसके ऊपर आएगी। सो कभी कभार क्या होता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रो करता है बट कहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो काफी रिस्की होता है, रिस्क फैक्टर वहां पर ज्यादा होता है। जी सो यहाँ हमने अटेनमेंट्स के दौरान एंजल्स को बुलाया और आपने शायद हल्का सा भी अगर वायलेट या पर्पल कलर देखा हो, या हल्का सा आपने ग्रीनिश या येलोइश या डर्टी येलो कलर अगर आपने देखा हो, दैट मीन्स डार्क वॉयलेट कलर भी था। वाओ, मुझे अंदाजा था ही कि आप वायलेट कलर दिखेगा बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल और आर्क एंजल माइकल आपसे वेल कनेक्टेड है। और किस तरह जी से हम देखेंगे आर्क एंजल माइकल का यूज हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ स्पेशली थ्रू आर स्पेशल टेक्निक्स, माय एंड शीतल की, मेरी और शीतल की जो स्पेशल टेक्निक्स है। और उरायल भी है आपके साथ, तो जब आप हीलिंग करेंगे किसी को तो आपके सामने ग्रीन कलर दिखेगा, हाँ डर्टी जी येलो कलर दिखेगा, गोल्डन टाइप कलर दिखेगा, तो आपको जी तुरंत क्लिक करना है कि भाई उरायल मुझे हेल्प कर रहे हैं। जी जब आप कहीं क्लेंजिंग करोगे तो आपको वहां पर डेफिनेटली आर्क एंजल माइकल जो है वहां पर वो आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब आप फर्दर हमसे कोई भी स्टडीज करेंगे आगे के कोर्स, तो हम उसमें करुणा रेखी या तेरामय सिक्किम रेखी में हम साइकिक सर्जरी करवाते विद द हेल्प ऑफ उरायल एंड माइकल ओनली। जी सो ये आपको बहुत उस टाइम पे आपको काफी फायदा होगा। मैं ये कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आपका स्वागत है, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 वो स्पिरिचुअल नहीं थे, ये जो लेवल 3 है ये स्पिरिचुअल है। जी और जैसे कि आपने इसमें कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड किए हैं, जी सो आज जो भी आप सीखेंगे ये शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी की। जी कुछ चीजें मैं आपको वहां पर भी बताऊंगा किस तरह से एनर्जी काम करती है, क्या रूप है हमारा, जो प्रारब्ध है हमारा, जो कर्मा है वो किस तरह से हमारे आड़े आता है, बीच में आता है, हमारे प्रोग्रेस को रोकने का काम करता है। सर। अगर हम किसी को हीलिंग करते, किसी को अगर हीलिंग नहीं मिलती है, किसी हाँ को जी एलियोपैथी दवा भी काम नहीं करती है किसी के ऊपर, जी समवेयर देयर प्रारब्ध, समवेयर देयर कर्मा हाँ जी इंटरफेरेंसेस दे रहा है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपने देखा रहेगा कोई बंदा है जिसकी कब कई सालों से एलियोपैथी दवा चल रही है पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है जी जस्ट सर बिकॉज ऑफ हिज और हर कर्मा या प्रारब्ध। जी सो जब यहाँ जब हम सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में है क्या, तो एक सिंबल है जिसका नाम है डाइकोमियो। डाइकोमियो डाइकोमियो वो सिंबल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो सिंबल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और जैसे आप हाँ पर्सनली सीख रहे हो तो काफी कुछ चीजें ऐसी भी हो जो मेरे माइंड में आती है कि मेरा कोई भी लेक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता है। जी आपको मैं सर 3rd लेवल की 10 लिंक्स दे दूंगा, 10ों लिंक में आप बोलोगे सर आप तो अलग अलग बातें बोल रहे हो, क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं होता है, हाँ जी जो मास्टर गाइड करते हैं वही मैं करता हूँ, बिकॉज जो मेरे मास्टर्स है, जी मेरे मास्टर्स हमेशा मुझे साथ देते हैं, मेरी हायर सोल भी मेरे मास्टर है, हाँ जी मेरे पिताजी जो थे वो भी मेरे मास्टर थे, और बाकी मास्टर्स जी ऐसे हैं जो जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे लेक्चर डिलीवर करना है, सो थे मुझे जी ऑलवेज हेल्प सर करते। तो ऑलवेज रिमेम्बर मास्टर्स जो भी है जिसको आप गुरु मानते हो उसको हमेशा हमेशा उनका नाम लेके कोई भी काम करिए, तो उससे क्या होता है आपका आधा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। सो जी थैंक यू सर ऑल मास्टर्स, आपने इसीलिए लेवल 1 और लेवल 2 में जो मेडिटेशन आपने देखे रहेगा तो उसमें मैं ग्रेटिट्यूड्स को काफी इंपोर्टेंस देता हूँ। जी सर व्हाई द ग्रेटिट्यूड इज इम्पोर्टेंट, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ मुंबई मुझे मिलने के लिए आए, ठीक है, हाँ आपने जी ऑटो रिक्शा की, स्टेशन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा वाले ने बोला, आपने बोला कि मुझे पूनम हाइट्स जाना है ग्लोबल सिटी, ऑटो जी वाला बोला 60 रुपीज, उसने जी मेरे कॉम्प्लेक्स में आपको छोड़ दिया, आपने हाँ उस जी बंदे को 60 रुपीज दे दिए, जी 60 रुपीज दे दिए पर जो कर्मा है ना वो टेली नहीं हुआ, क्योंकि जी ऊपर वाले की किताब में, कार्मिक बोर्ड जो है उसकी किताब में बार्टर ट्रांजेक्शन है, हाँ मनी का जी तो वैल्यू नहीं है। जी सो वो जो रिक्शा वाला है वो कभी ना कभी ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी वो आपसे वो अमाउंट
का जो भी वैल्यू, उसकी जो सर्विस की जो वैल्यू है वो आपसे ले लेगा, जी तो होगा क्या? आप बोलोगे यार मेरा पैसा उसने ले लिया या मुझे उसने हार्म किया, स्पेशली हार्म किया। जी जब सही वक्त पे कोई नुकसान करता है तो मान लीजिए पिछले जन्म का कोई उधार उससे कनेक्टेड है, जी और हम यही बोलते हैं और ये फैक्ट है। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनके साथ हमने इस तरह का उधार लेके रखा हुआ है, तो वो हमें ये जन्म में या फिर अगले जन्म में वो हमारे सामने आएगी और हमें हार्म करेगी। तो जी सिर्फ दो वर्ड्स बोलने हैं, थैंक यू। थैंक यू, ये इसको हम अपनी सभ्यता में कृतज्ञता कहते हैं कि हमने, हम दे नहीं पा रहे थे कुछ पर हमने थैंक यू किया, और जब उसके मुंह पे एक चेहरे पे एक मुस्कान आती है, दैट मीन्स जी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेड करके। सो जी इट विल बी द बैलेंस सिचुएशन। जी तो ये सर ऑलवेज रिमेम्बर कि ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है, इसलिए लेवल वन और लेवल टू के मेडिटेशन में आपने ईच एंड एवरी टाइम में देखा रहेगा थैंक यू, थैंक हाँ जी यू सो मच। जी सो सर थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और मुझे जो भी मिलते भी है लोग बोलते हैं यार विशाल जी आप बहुत थैंक यू कहते हो, आप इतना थैंक यू ना करें। मैंने बोला जी नहीं, थैंक यू आपने मुझे बात बताई और आप मुझे इसी तरह से गाइड करते रहे, उसके लिए मैं थैंक यू। सो जी थैंक्स ऑलवेज बहुत पावरफुल वर्ड है, और यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरह से अंदर बैठा हुआ है जी ऑलवेज। सर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, से थैंक यू टू हिम और हर, तो हम उस बैलेंस शीट को टेली करने की लगातार कोशिश करते हैं। आपके वजह से किसी को जी हार्म होता है तो से सॉरी, जी सॉरी बोल देना है, सॉरी और दिल से बोलना है, तो वो बैलेंस शीट जो है वो ऑलवेज टेली रहेगा। सो स्पिरिचुअल पाथ का ये लेसन है, थैंक जी यू एंड सॉरी ये आपके टॉप ऑफ माइंड में होना चाहिए। जब आप किसी से कुछ लेवे तो थैंक यू कहिए, किसी के उपकार को ले तो आप थैंक यू कहिए, किसी ने किसी को आपने नुकसान कर दिया है तो आप उसे सॉरी कहिए, माफ करिए, क्षमा कहिए। ठीक है, जी यहाँ हम मुंबई में माफ कर ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ पर यहाँ मुंबई में ऐसी बात होती है कि बोलते ना माफ कर तो झगड़ा होता है, यहाँ पर एक ही वर्ड चलता है सॉरी या क्षमा। जी माफ यहाँ पर एक्चुअली में किसी भिखारी को दूर करने के लिए यहाँ के जो लोकल हम है वहां पर, यहाँ पर माफ करो शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी को बोलना होता है माफ कर तो नहीं कहता हूँ मैं, बोलूँ यस सर।